अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की है। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। अतीक हत्याकांड के बाद सुरक्षा वजहों से यह फैसला लिया गया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा यूपी और यूपी के बाहर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और आपको इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ हैं। राजू, जिस तरीके से दिन दहाड़े वो भी मीडिया के सामने अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है, जिसको पूरी दुनिया ने भी देखा है, उसके बाद वाकई सियासी हलकों में घमासान तो मचा हुआ है और हैरत भी है, लेकिन इस बीच सीएम योगी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और बैठकों का दौर भी जारी है। क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब पुलिस एक्शन में आई है और एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसे डीसीपी क्राइम हैंडल कर रहे हैं और उसके साथ दो और उनके सहयोगी हैं। और इसके अलावा जो केस दर्ज किया गया है उस पूरे मामले में छापेमारी चल रही, क्योंकि साइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, उसके खिलाफ भी 50,000 का इनाम रखा है। और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब अतीक और अशरफ का सुपुर्दे खाक होगा तो उसमें साइस्ता आएंगी, और पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रही थी। और आज भी जब साइस्ता को लेकर तमाम अफवाहें चल रही थी कि कभी वो सरेंडर करने वाली है, कभी तमाम चीजें को लेकर, लेकिन अब तक वो पुलिस के गिरफ्त से है, इसलिए एएसआईटी टीम का गठन किया गया है और अतीक और उसके जो तमाम गैंग के मेंबर हैं उनके खिलाफ आज लगातार, प्रयागराज की बात करें तो वहां पर छापेमारी चल रही है अतीक के करीबियों के लिए। साइस्ता की तलाश में लगातार पुलिस काम कर रही है, सिर्फ लोकल पुलिस ही नहीं, एसआईटी की टीम काम कर रही है, महिला पुलिसों को भी लगाया गया ताकि साइस्ता परवीन की गिरफ्तार करी लगातार पुलिस एक्शन में आ गई है। दूसरी ओर बात करें कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर आज मीटिंग की गई, दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल थे, और इस बात के लिए क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है और मैसेज देने की कोशिश की गई कि योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन के चलते तीन बदमाशों ने इन आरोपियों को मार गिराया, और उसके बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो सार्वजनिक कार्यक्रम थे वो फिलहाल अभी आगे नहीं होगा और निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि काफ़ी बड़े नेता हैं, एक जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने काफ़ी सख्त कदम उत्तर प्रदेश में उठाए, और यही वजह है कि लगातार बदमाशों के अंदर उनका खौफ बढ़ गया और यही कारण है कि उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। लेकिन अब सवाल है कि साइस्ता परवीन गिरफ्तार कब होगी, और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयागराज में और आसपास के जो जिले हैं वहां पर छापेमारी चल रही है ताकि इस गैंग के अतीक गैंग की मेंबर जो साइस्ता परवीन है वो इसे आगे हैंडल करे। और जो स्थिति बनी है अतीक और अशरफ की मौत के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लोगों की नाराजगी को लेकर, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए साइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर इसके अतीक गैंग का जो दूसरा मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम है उसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। क्या गुड्डू मुस्लिम ही पूरे नेटवर्क को अभी फिलहाल हैंडल कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है और उसी मीटिंग के बाद पुलिस का ये एक्शन आज देखने को मिला है।